तो दोस्तों आज हम जानेंगे एक ऐसे प्राणी के बारे में जिसके रंग रूप से आप पहचान जाओगे कि वह प्राणी कौन सा है, पर उस प्राणी की क्या विशेषताएं हैं आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कुड्डू के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द एनिमल एडवेंचर पे, जहाँ पर हम हर हफ्ते दुनिया के अलग अलग प्राणियों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो बना कैसा है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कुड्डू, जिसे एंटीलॉप्स में सबसे लाउडेस्ट प्राणी माना जाता है, और कुड्डू की टोटल दो प्रजाति पाई जाती है, एक लेसर कुड्डू और एक ग्रेटर कुड्डू। और कुड्डू पूरी दुनिया में ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के यहाँ पर ज्यादातर पाए जाते हैं। और कुड्डू एक शाकाहारी प्राणी है जो ज्यादातर ग्रास, रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स और ट्यूबर्स को कंज्यूम करते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि कुड्डू लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। और पूरे जंगलों में कुछ प्राणी ऐसे हैं जो कुड्डू का शिकार करते ही रहते हैं, जैसे कि लायंस, लेपर्ड्स, वाइल्ड डॉग, चीता, पाइथन और ईगल्स। पर जब कुड्डू को खतरा महसूस होता है तब वह अपने आप को एकदम मोशनलेस कर देता है, यानी कि एकदम स्टैचू हो जाता है। और इसके साथ ही वह वातावरण के हिसाब से अपने शरीर के रंग को ढाल लेता है। और इंसानों का तो क्या ही कहना, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होगा पूरी दुनिया में जिसका इंसान ने शिकार न किया हो। और जंगलों में इंसान कुड्डू का शिकार करते हैं उसके मांस के लिए और उसके साथ ही उसके हॉर्न के लिए। वैसे कुड्डू एक सॉलिटरी प्राणी है जो अपना जीवन ज्यादातर अकेले ही बिताना पसंद करता है, पर कभी कभार वे ग्रुप में आ जाते हैं और उनके ग्रुप का लीडर वही होता है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मैटिंग होना बहुत जरूरी होता है, ठीक उसी तरह से कुड्डू का भी मैटिंग समय बारिश के मौसम में होता है। और फीमेल कुड्डू 8 महीने के प्रेगनेंसी के बाद वह एक बच्चे को जन्म देती है, और जब वह बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो वह पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाता है। और पूरे जंगलों में कुड्डू को पहचानना बड़ा ही आसान है क्योंकि उसके स्पाइरल हॉर्न के वजह से, जिसकी लंबाई तकरीबन 72 इंचेस की होती है और उनके हॉर्न्स तकरीबन 3 बार गोल घूमते हैं। और कुड्डू की लंबाई तकरीबन 5 फीट की होती है और उनका वजन तकरीबन 360 किलोग्राम का होता है। और मेल कुड्डूस फीमेल कुड्डू से ज्यादा बड़े होते हैं। और वैज्ञानिक के अनुसार जंगलों में कुड्डू तकरीबन 8 साल तक जी सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें देख रेख में रखा जाए तो वे तकरीबन 23 से भी अधिक साल तक जी सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना है। यह जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि यह वीडियो बना कैसा है। और आपको अगर किसी प्राणी के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाएं। और जाने से पहले एक बार फिर इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद।